देखिए नेक्स्ट एक और इंट्रोडक्शन क्लास होगी जो हमारी एचसीएफ और एलसीएम टॉपिक चल रहा है उस पर। एक रहा एचसीएफ निकालने, अब तक जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी छोटी छोटी वीडियोस, उनमें हमने जो हमारे कांस्टेंट है नंबर्स होते हैं उनकी जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड की है। यहाँ कुछ वेरिएबल्स का देखो कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीका से क्वेश्चन हो तो कह रहा है कि इनका एचसीएफ बताइए हमें एचसीएफ। अगर क्वेश्चन ये हो एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 8, तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा। देखो अब तक हम बात करते थे जैसे ये 6, 8 और 12, यहाँ ऐसे कोई नंबर ले लेते हैं, चलो ये 12, 8 और ये 16 ऐसे कुछ ले लिया, तो यहाँ क्या होता है कि इनके हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। एचसीएफ का जो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनके जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है वही एचसीएफ हो जाता है। यहाँ अगर इनकी बात करें तो देखो ये 1, 2 और 4, 8, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, ऐसी ये 1, 2, 4, 8 और 16, ये इसका यहाँ इनका 1 भी कॉमन है, 2 भी और 4 भी। अब 4 को मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि 4 सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब इन सभी नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर एचसीएफ है वो क्या है, 4। अब होता क्या है कि जो एचसीएफ होता है वो इन सभी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, क्योंकि ये फैक्टर होते हैं। फैक्टर मींस आपको बता दें जो एचसीएफ होता है उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जो जितने भी डिवाइजर होते हैं, देखो ये कॉमन डिवाइजर है, 1 तीनों को डिवाइड करता है, 2 भी तीनों को करता है और 4 भी तीनों को डिवाइड करता है, लेकिन ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा है वो कौन सा, 4 है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो 4 है जो तीनों को डिवाइड करता है। अब यहां जैसे ये एक्स रेज टू पावर 5 है, एक्स रेज टू पावर 4 है और 8 है, इन तीनों नंबरों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा। तो होता क्या है, ध्यान रखना जब बात करते हैं एचसीएफ की तो आपको सबसे छोटे वाला देखना है, सबसे छोटे वाला एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4 1 पे चला जाएगा, ये इसको भी डिवाइड कर देगा एक्स रह जाएगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा एक्स रेज टू पावर 4 रह जाएगा। तो जो इसका एचसीएफ है वो कितना है, एक्स रेज टू पावर 4, आए समझ। ऐसे ही x रेज टू पावर 5y4, x की 8y3, x 9y4, इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, देखना क्या है, यहां x की 5 है, यहां 8 है और यहां 9, तीनों में सबसे कम कौन सा है, x की 5। अब देखो y की 4, y की 3, y की 7, तीनों को कौन सा डिवाइड कर सकता है, y की 3, तो यहां से y की 3, ये नंबर होगा इसका एचसीएफ। ऐसा नहीं है कि कोई पेयर ही रखना है, नहीं, इनमें जो x की पावर जो सबसे कम वाला है वो निकालना, जो y की सबसे कम वाली पावर वाला है वो भी निकालना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ x रेज टू पावर 7 y 8, x रेज टू पावर 9 y की 5 और x रेज टू पावर 6। अब होता क्या है कि जो x की सबसे छोटी पावर है वो क्या है, x रेज टू पावर 6, y यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो y को हम नहीं लेंगे ऐसे केस में। कभी आप दिमाग लगाएं अपना और x रेज टू पावर 5 ये y रेज टू पावर 5 इसको ले लें, नहीं, तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या रह जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6, आए समझ। देखो नेक्स्ट ये कह रहा है ए की पावर 5 है, बी की पावर 6 है और सी की पावर 8 है। अब यहां तीन अलग अलग हैं, ए बी और सी, क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं है। हमेशा याद रखना कि जो हमारे ये नंबर होते हैं, अगर हम बात करें जो हमारे को प्राइम होते हैं, को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका एचसीएफ 1 होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन ही नहीं रहता। अगर आपसे पूछा जाए 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, आंसर होना चाहिए 1, ठीक है। अगर बात करें 10 और 11 का एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है। 10 के फैक्टर करेंगे 1, 2, 5, 10, इसके क्या बनते हैं 1 और 11। तो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उसमें एचसीएफ क्या होगा, 1। अब यहां ए अपने आप में अलग है, बी अलग है और सी अपने आप में अलग है, तो जो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका जो एचसीएफ है वो क्या रहेगा, 1, आए समझ। देखिए नेक्स्ट, अब यहां ये तीन हमारे अलग अलग टर्म है कॉमन, अब इनमें देखो यहां 6 भी है, 8 भी है और 4 भी है। अगर हम नंबरन की बात करते हैं तो नंबर 6, 8 और 4 ये तीनों को आप जानते हैं, इनका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 2 3 2 4 2 2 9, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखो x की 4 है, x की 3 और x की 7, तो सबसे छोटा कौन सा, x रेज टू पावर 3। यहां क्या कह रहा है, y की 5, y की 9 और y की 4, तो इनमें सबसे छोटा कौन, y रेज टू पावर 4। अब यहां a है, यहां b है, यहां c है, इनका कुछ लेंगे नहीं, तो यही हो जाएगा इसका एचसीएफ, आए समझ।
देखिए एलसीएम पे कुछ, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम, एलसीएम का मतलब है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, हम अगर बात करते हैं फिर से वही 6, 8 और 12 कुछ ऐसे नंबर ले लिए, ऐसा मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो इन तीनों से अलग अलग कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मीन्स कि अगर 6 से करें तो भी कंप्लीटली, 8 से करें तो भी, और 12 से करें तो भी, तो इन सभी का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, निकाल के देख लेना, 6 से करेंगे 6 4 जा 8 से करेंगे 8 3 जा 12 से करेंगे 12 2 जा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। कहने का मतलब है कि ऐसा नंबर जो तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अब तो यहां वेरिएबल्स की बात करते हैं, देखो एचसीएफ में, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन वहां सबसे छोटी पावर वाला देखना रहता है, ऐसे ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहां सबसे बड़ी पावर वाला देखना है। हम बात करते हैं जैसे एक्स फाइव की और एक्स रेज टू पावर 4 और एक्स रेज टू पावर 8 की, तो इनमें होता क्या है कि जो सबसे बड़ी पावर है ये क्या, एक्स रेज टू पावर, यही इसका एलसीएम है। क्योंकि अगर हम इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा, इस वाले से करेंगे हो जाएगा, और खुद से भी ये हो जाएगा, तो यही है इनका एलसीएम। और एचसीएफ के केस में मैंने वही क्वेश्चन लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एचसीएफ के केस में कि ऐसा नंबर जो सभी से डिवाइड होता हो, जो सभी को डिवाइड करता चला जाए, तो x की 4 होता है वो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी, x की 8, अब ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और खुद से भी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट x की 7 है, x की 9, तो x की 9 ले लेते हैं, और यहां y की भी देखनी है, क्योंकि जो कंप्लीटली वाई 8 और वाई 7, तो वाई की 8 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब किसी से भी इस नंबर को डिवाइड कर लो, आप डेफिनेटली ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है जो क्वेश्चन 6, 8 और 4 है, पहले तो ये नंबर है जो कांस्टेंट नंबर हमारे 6, 8, 4, इनका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 24, इससे भी जाएगा, इससे भी और इससे भी, तो एक तो 24। अब इनमें एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी, यहाँ 4, यहाँ 3, तो यहाँ 7, तो एक्स रेज टू पावर 7, ये 5, ये 9, और वहां कितनी 4, तो ये कितनी हो जाएगी, वाई रेज टू पावर 9। और अब यहां ये देखो ए है, यहां बी है, यहां सी है, तो होता क्या है, देखो अगर मैं आपसे कहूं 2, 3 और 5 का एलसीएम निकाले, एलसीएम का ये है कि अगर इन तीनों में कोई मल्टीपल कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इसका आंसर है, 2, 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इन सभी नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 30। कहने का मतलब ये है जैसे ये थे, इनमें से जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 3 पे 4 पे और ये कितने पे 6 पे, फिर 3 से कर लिया ये 1 पे 4 पे और 2 पे, फिर से 2 पे कर लिया ये 2 आ जाएगा यहाँ 1, अब कोई जान ही रहा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 2 जा 24। लेकिन अगर इनको हम करेंगे ये 2 का तो 1 ये 3 और ये 5, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 ये 1 और ये 5। फिर कहने का मतलब है कि अगर नंबर ऐसे हैं जिनमें से कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे, सीधा उनको मल्टीप्लाई कर लेते, वही उनका हो जाता है एलसीएम। ऐसा केस देखो, यहां ए है, यहां बी है और यहां सी है। एचसीएफ में तो हमने इनको साइड में कर दिया था क्योंकि एचसीएफ जो कॉमन नहीं होता उनका रहता है 1 बेटा, और यहां क्या है कि ये तीनों अलग अलग है, तो तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होगा, तो 24x7y9 ए बी सी हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर आया समझ। आज की इस वीडियो में हमने बिल्कुल छोटी सी वीडियो, एक और इंट्रोडक्शन जरूरी था देना, इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाई है ताकि आप वेरिएबल से रिलेटेड जो एचसीएफ और एलसीएम है उनमें कोई भी कंफ्यूजन ना फील करें। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको समझ आई होगी, समझ में अगर आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।